वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिए, तब वीडियो समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को दुर्गा पंडाल दिखाने चल रहा हूँ, पहले रक्षा का देख लेते हैं। बहुत बस यही पंडाल था, आप देखते हैं आगे सुखपुरा में कोई पंडाल मिलता है वो दिखाते हैं आपको। तो सुखपुरा के मेन रोड पे हमें कोई ऐसा पंडाल नहीं दिख रहा है जिसका वीडियो बनाए, तो सुखपुरा पार कर रहे हैं और बलिया चलते हैं डायरेक्ट। जीरा बस्ती का दुर्गा पंडाल देख सकते हैं, यहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा का अनावरण हो गया है, मुँह खुल गया है और बहुत ही खूबसूरत सजावट किया गया है यहाँ पे। तो ये है बिश्नुपुर का दुर्गा पंडाल, यहाँ पे मूर्ति का मुँह खुल गया है, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। ये गुदरी बाजार का आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सजावट किया गया है गुदरी बाजार में। तो ये है महावीरी घाट का दुर्गा पंडाल, देख सकते हैं अंदर तक बहुत बढ़िया बनाया गया है। तो गुदरी बाजार में देख सकते हैं कितना खूबसूरत पंडाल बनाया गया है, ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं का रूप ही दिया गया है यहाँ पे। तो ये है जापलीगंज का दुर्गा पंडाल, आप देख दुर्गा माँ के मंदिर के जो पास में है दुर्गा पंडाल वही वाला है, बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन पंडाल बनाया गया है यहाँ पे। अंदर के साइड में अगर चलते हैं इधर से तो आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं अंदर के साइड में अभी दुर्गा माँ के मूर्ति का अनावरण हो रहा है यहाँ पे, अभी हुआ नहीं है। तो ये है जापलीगंज निकट पुलिस चौकी के पास का दुर्गा पंडाल, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मूर्ति रखा गया है यहाँ पे और मूर्ति का अनावरण भी हो गया है। तो ये है जापलीगंज नया चौक का दुर्गा पंडाल, चलो अंदर चलते हैं। तो जापलीगंज नया चौक का दुर्गा माँ का मूर्ति बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन, जितने भी दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं सब बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, सब मस्त लग रहे हैं, मैं जवाब नहीं है भाई, बहुत बेस्ट बेस्ट सजाए गए यहाँ पे। तो ये है आर्य समाज रोड वाला दुर्गा पंडाल, मूर्ति का अनावरण तो हो गया है, मूर्ति तो बहुत बेहतरीन लग रहा है देख के, बहुत जबरदस्त। ये है ऑगडेनगंज का दुर्गा पंडाल, देख सकते हैं कितना बेहतरीन दुर्गा पंडाल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है दुर्गा पंडाल ऑगडेनगंज का। ये भी जो है आर्य समाज रोड का ही दुर्गा पंडाल है, बहुत हाइट पे दुर्गा जी का मूर्ति रखा गया है, लेकिन बहुत सुंदर मूर्ति, मतलब कई सारे मतलब देवी देवताओं को मतलब रखा गया है, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी महागौरी तमाम प्रकार के देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ पे, एकांत माता कात्यायनी कुष्मांडा चंद्रकंडा सभी दुर्गा के जितने भी रूप हैं सभी रूपों को मतलब यहाँ पर संशोधित किया गया है, बहुत बेहतरीन। यह है लोहा पट्टी का जो दुर्गा पंडाल वो बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बहुत बेहतरीन दुर्गा जी के माँ की प्रतिमाएं कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के ना, ये कितना बढ़िया सजाया गया है इसको। ये कासिम बाजार का दुर्गा पंडाल, देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन बनाया गया है। तो दुर्गा जी का अगर मूर्ति अंदर दिखाएं तो देखो कितना बेहतरीन मूर्ति बनाया गया है यहाँ पे, बाघ पे सवार और इधर जो है ये भी बने दिखाया गया, उधर भी दिखाया गया, दोनों तरफ बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में, ये सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है अभी तक जितने दुर्गा पंडाल है उसमें सबसे बेस्ट मुझको मतलब यहीं वाला लगा है। तो चीतू पांडे चौराहे पर जो दुर्गा पंडाल सजाया जा रहा है ये वहाँ का दृश्य देख सकते हैं कितना खूबसूरत, डिजिटल इंडिया के बारे में पूरा मतलब कि दिखाया गया है, पुरानी यादों के बारे में कुछ चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं, कैसे कैसी पुरानी यादों हम लोग की थी, बहुत बेहतरीन बहुत चीज़ मतलब कि इसमें देखने को मिल रहा है। और अंदर जो है दुर्गा माँ का मूर्ति,
ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत बेहतरीन। ये है मिड्डी चौराहे से दुर्गा माँ के पंडाल, कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर भी लाइट का डेकोरेशन बहुत बेहतरीन किया गया है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो माँ दुर्गा का मंदिर भी यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पे दुर्गा पंडाल भी लगाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो बस स्टैंड के पास में जो दुर्गा पंडाल बनाया गया, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया, मतलब कि मूर्ति भी रखा गया है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है देख के भी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देख सकते हैं कितना सुंदर से इसको सजाया गया है, कितना बेहतरीन। अरे भाई क्या बांध लिए उसका, अरे आंख तो दिखाओ, आंख दिख ही नहीं रहा, अरे भाई। तो सभी दुर्गा पंडाल आप लोगों को दिखा दिए और घर भी पहुंच गए, रात के बज गए 11। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते फिर आपको कल के ब्लॉग में। आज के इतना ही।